पिछले वीडियो में हमने टेबल देख लिया था, टेबल 3.1। उसमें हमारी कंट्री के कुछ वूल्स और कुछ प्लेसेस के नाम बताए गए थे जहाँ से उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब और आगे इसमें जो हमने बताया था कि आपको एक चार्ट बनाना है, टेबल बनानी है, वो देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप उस टेबल में एक साइड पे लिखेंगे कि कौन सा एनिमल है, फिर उसका उससे क्या प्राप्त होता है और वो एनिमल कहाँ पाया जाता है। आपको ये तीन कॉलम बनाने हैं, ठीक है, इसमें आप लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें पहले आपको लिखना है, देखिए जो फ्लीस मीन्स क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था फ्लीस मीन्स होता है बाल, हेयर। तो जो सीप के फ्लीस होता है इसी से ज़्यादातर जो वूल हम लोगों को मिलती है उसी का होता है, मतलब जो बाल होते हैं भेड़ के उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसी से ऊन बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो उसकी ऊन बनाने में, भेड़ की और भी चीज़ें हैं जो ऊन बनाने में हेल्प करती हैं। लेकिन हम लोग जो मार्केट में जो ऊन होता है वो ज़्यादातर इसी का बना होता है, किसका, इनकी फ्लीस का, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब चार्ट में हमें, टेबल में हमें लिखना क्या क्या है। आप लिखेंगे इसमें, देखिए याक, जैसे याक याक लिखेंगे याक। अब याक से हमें क्या मिलता है, वूल, ठीक। ये कॉमन कहाँ पाया जाता है, तिब्बत है, लद्दाख में। तो आप एक कॉलम में लिखिए याक, दूसरे में लिखिए वूल, और ये कहाँ पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये एक मोहैर है, मोहैर ये किससे प्राप्त होता है, अंगोरा गोट्स से, किससे, अंगोरा गोट्स से। और ये अंगोरा गोट्स कहाँ पाया जाता है, ये हिली रीजन जैसे कि जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको एक ही कॉलम में लिखनी है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं एक अंगोरा गोट्स होता कैसा है, ये देखिए इसका फ़ोटो भी इसमें दिया गया है, ये ठीक है। इसके बाद देखिए, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल को हम लोग और कहाँ से प्राप्त करते हैं, गोट के बालों से। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स, आपने सुना होगा ये नाम, पश्मीना सॉल्स। ये बकरी के बालों के बने होते हैं पश्मीना सॉल, ये देखिए यहाँ पे इसका फोटो भी दिया गया, ये आप देखिए। इसके बाद द फर, फर मीन्स होता है हेयर, देखिए। ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एड वूल। अब ये कैमल कहाँ पाया जाएगा, अभी देखिए इसमें दे रहे हैं। इसके बाद लैमा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। अब देखिए, ये आपको एक ही कॉलम में लिखना है कि लैमा एंड अल्पैका ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और ये देखिए इनका फोटो भी इसमें दिया गया, लैमा और अल्पैका, ठीक। कैमल का इन्होंने नहीं दिया है, तो कैमल का आप मत लिखिएगा, जितना आपके सिलेबस में आप उतना ही लिखे चलिए। इन्होंने एक एक्टिविटी दे दी यहाँ पर कि इनके पिक्चर्स आप कलेक्ट कीजिए, इनको चिपकाइए अपने स्क्रैप बुक पे। अगर नहीं है आपके पास पिक्चर तो फिर आप इन्हीं को देख के बनाइए पहले, फिर चिपकाइए। तो करना चाहें आप अगर तो फिर करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इतना नोट कर लें एक बार जो मैंने बताया टेबल, तब भी आपको याद हो जाएगा। पिक्चर चिपकाने से क्या है कि आपको याद रहे कि कहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है, उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, और वो वर्ल्ड के या फिर हमारे कंट्री के कौन से पार्ट में पाया जाता है, ठीक। तो आप अगर इन दोनों टेबल्स को लिख भी लें मेरे ख्याल से, तो फिर आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक और एक्टिविटी दी है कि आप इंडिया का मैप लीजिए, उसमें बताइए, मार्क करिए कि कहाँ पर क्या है। तो ये भी अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर आप टेबल बनाइए तो फिर उतना काम आपका चल सकता है। अब देखिए, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, ऊन को प्राप्त करने के लिए, वूल को प्राप्त करने के लिए हमें सीप को रेयर्ड, मतलब पालना होता है, उनके हेयर को काटना होता है, और कुछ प्रोसेस होती है जिन्हें हमें करना होता है। तो चलिए इन्हीं प्रोसेस और इनको पालने वगैरह के बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, मतलब उनको कैसे पालते हैं और उनका कैसे उनका खान पान कराते हैं, ये पहले देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं अगर आपने कभी इन जगहों पर आप घूमे हों, देखिए कुछ जगहें इसमें लिखी गई हैं, अगर कह रहे हैं आप इन जगहों पर गए हों पहले तो आपने देखा होगा। कौन कौन सी जगहें, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और या फिर आप प्लेन जगहों पे गए हों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ शेफर्ड हैं जो इनको चरा रहे होंगे। शेफर्ड क्या, जो चरवाह होते हैं, तो इनको कह रहे हैं चराने के अलावा इनको एक मिक्सचर भी दिया जाता है। अब वो मिक्सचर किस चीज़ का होता है, जो हम लोग ऑयल निकालने के लिए जो बीज देते हैं, सरसों के बीज, या फिर जब उनका ऑयल निकाल लिया जाता है तो जो बचती है, जिसको हमारे यहाँ भाषा में उसको बोलते हैं खली, वो उनको दिया जाता है जो वो खाते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होंगे, वही जो भी मैंने बताया, खली एंड मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स दिए जाते हैं। इन विंटर सीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठीक है, अब कह रहे हैं टेबल एक दी गई है जिसमें हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे कौन सी सीप्स जो है पाली जाती हैं और उनसे किस प्रकार की वूल हमें प्राप्त होती है वो दिया गया। तो वो हम लोगों ने टेबल पिछली वीडियो में ही कर लिया था, ये वाली टेबल थी जो, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको बना भी लीजिए आप अगर अभी तक अपनी कॉपी में नहीं बनाया है। देखिए प्रोसेस दिया गया है फाइबर्स को वूल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, वो दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर फॉर वेविंग शॉल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लंबी प्रोसेस है और इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। इसमें स्टेप वन देखते हैं पहले क्या है। स्टेप वन को हम लोग बोलते हैं सियरिंग। क्या बोलते हैं, सियरिंग। इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग वो क्लीन सेव करते हैं, आपने देखा होगा दाढ़ी बनाना आपने देखा होगा, सेम वैसे ही इसका सीप को सेव किया जाता है। इसका एक फ़ोटो देखिए इसमें दिया गया, पहले आप इसको देख लीजिए तो आप कुछ अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। सियरिंग अ सीप, ये देखिए इसमें होता क्या है कि जो सीप है उसको सेव किया जाता है। मतलब जैसे हम लोगों के बार्बर जो हैं, भाई जो हैं, वो जैसे हमारे बियर्ड को सेव करते हैं, मतलब हमारी जो दाढ़ी को सेव करते हैं, उसी तरीके की मशीन होती है। उससे उसी के साथ में जब सीप को सेव किया जाता है, सियर किया जाता है, तो उसके साथ में, उसके बालों के साथ में उसकी थोड़ी सी स्किन भी जाती है। ठीक है, स्किन की भी आ जाती है। अब ये कौन से महीने में या फिर कब किया जाना चाहिए, ये आप खुद गेस करिए, बताइए। ये हमें तब करना चाहिए जब मौसम गर्म हो। क्यों, क्योंकि उन अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर ये बाल इसलिए होते हैं क्योंकि ये उनको गर्म लग सके। अब अगर बाहर मौसम ठंडा है और आपने उनके बाल हटा दिए तो उनको ठंडक लगेगी, इसलिए इनको थोड़ा सा गर्म मौसम में ही सियरिंग इनकी करनी चाहिए। अब सियरिंग इनको ज़रा सा भी हर्ट नहीं करता है। क्यों, सियरिंग डज नॉट हर्ट द सीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज बियर्ड। जैसे कि आप अपने बाल कटवाते हैं, क्यों, आपके बाल जब आप कटवाते हैं तो आपको हर्ट होता नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो सब डेड हैं, डेड स्किन है, डेड हेयर है। इसी तरह इनके भी ये डेड स्किन है, डेड हेयर है। चलिए आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये इतना, क्योंकि अगर कुछ छूट रहा होगा तो फिर इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद स्टेप टू देखते हैं, स्टेप टू में क्या दिया गया है। जो इसके बाद जो सेयर्ड स्किन होगी वो स्किन में ही, अभी जो हेयर हैं वो स्किन में ही लगे हुए होंगे, उनको कायदे से धुला जाता है टैंक में। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ ग्रीस लगी होगी, कुछ डस्ट होगी, कुछ डर्ट होगी, इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है जी, आजकल यही जो है मशीनों के द्वारा हो रहा है। अब ये पहले कैसे होता था, ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, स्कोरिंग इन टैंक, इसमें डाला फिर इसको डंडे से चलाएंगे, फिर इसके बाद उसको निकालेंगे ताकि वो साफ़ हो जाए। अब स्टेप थ्री देखिए, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बालों को अलग अलग किया जाता है जिनसे उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल बनाई जा सके। चलिए इसके बाद देखते हैं स्टेप फोर, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं बर्स, जिनको क्या बोलते हैं,
birds are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. क्या होता है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनसे ऊन कायदे की बनाई नहीं जा सकती, इसीलिए उनको अलग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेप फिफ्थ, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गोट्स इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। फाइबर को क्या किया जाता है, डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों की सीप होगी वो तो, जो सीप या फिर गोट जो होगी वो तो सिर्फ ब्लैक ब्राउन या फिर वाइट ही होगी, तो उसको डिफरेंट कलर देने के लिए डिफरेंट डाई उसको किया जाता है। इसके बाद देखिए स्टेप सिक्स में द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड। फाइबर को सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, उनको कंघी किया जाता है और उनको यार्न की तरह बनाया जाता है। देखिए फिगर इसमें 3.8D में दिया गया है। ये इनको ऐसे मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायरिंग यहाँ पे की जा रही है, स्क्वायरिंग। अब जो इसमें से लंबे वाले फाइबर्स होते हैं उनको वूल और स्वेटर बनाने के लिए बना लिया जाता है। जो छोटे वाले हैं उनको स्पून एंड वोवन किया जाता है। ये क्या होता है, ये होता है इनको, जैसे आपने सुना होगा सूत कातना, वो स्पून में से होता है, कातना वोमेन में से उसको बुनना, पहले उनको काटा जाता है फिर उनको बुना जाता है। ठीक है, ताकि उनसे वूलन क्लोथ बनाया जा सके। अब ये एक बार आप पूरा फोटो एक बार में देख लीजिए, आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। फर्स्ट सीयरिंग ऑफ सीप, सेकंड स्क्वायरिंग इन टैंक्स, स्क्वायरिंग बाई मशीन्स और रोलिंग इन टू यार्न्स। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इन वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है पूरा एक ही लाइन में, सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग अप बर्ड्स, डाइंग, रोलिंग। ठीक, यहाँ तक ये आप ये नोट्स में अपने इतना आप लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद आपका टॉपिक होगा सिल्क। सिल्क क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे क्या होता है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए इसके बाद ये छोटा सा टेप चैप्टर ही है बस। इसके बाद फ्रॉम कोकून टू सिल्क हो जाएगा, बस खत्म। सिल्क के बाद में इसमें कुछ भी नहीं, बस सिल्क ही है।